दोस्तों इस समय कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और ऐसे में अगर आप कोरोना से संक्रमित हो जाते हो तो हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है, हॉस्पिटल्स में भी जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में जरूरी है आप कुछ डिवाइसेस अपने घर पर जरूर रखिए। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर मैंने ले रखा है, इससे आप दूर से ही किसी का भी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीमीटर की, ऑक्सीमीटर से आप अपना ऑक्सीजन लेवल लगातार चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये है नॉर्मल थर्मामीटर, इससे आप लगातार अपने टेम्परेचर को चेक करते रहिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको कोरोना हो गया है, आपके फैमिली में किसी को कोरोना हो गया है, तब आपको जरूरत होती है एक स्टीमर की, और ऐसे में लगातार स्टीम लेने से हम कोरोना को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इन सभी डिवाइसेस की अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियो पहले ही मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इन्हें देख सकते हो। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेबुलाइजर के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पास है ये नेबुलाइजर, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का नेबुलाइजर परचेज कर सकते हो। आज के वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे नेबुलाइजर को हम घर पर कैसे यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ नेबुलाइजर कैसे काम करता है, इन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले कर लेते हैं इसे ओपन और देखते हैं कैसा है नरीनाज नेबुलाइजर। ये नेबुलाइजर इस तरह की पैकिंग में आता है, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट की इमेज देखने को मिल जाती है, मेक इन इंडिया, पूरी तरह से इंडिया में बना हुआ प्रोडक्ट है, और बॉक्स के इस साइड भी इसकी कुछ डिटेल देखने को मिल जाती है, और बॉक्स के साइड इसके सारे स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। वेट है 2.1 किलोग्राम, MRP है 4500 रुपीज, लेकिन इस समय आपको ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा लगभग 1500 रुपए में। इसका बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर अगर आप चाहो तो इसे परचेज कर सकते हो। तो आइए फटाफट से इसे करते हैं ओपन। सबसे पहले हमें एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है, इसके अंदर सारी डिटेल दी गई है कैसे हमें इसे यूज़ करना है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखनी है, सारी डिटेल आप इस यूज़र मैनुअल के अंदर देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ अटैचमेंट दिए गए हैं, यहाँ पर हमें एक बड़ा मास्क दिया गया है, इसे कोई भी एडल्ट यूज़ कर सकता है। इसके अलावा बच्चों के लिए एक छोटा मास्क भी यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक ट्यूब दी गई है जिससे हम मास्क को नेबुलाइजर के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा अटैचमेंट यहाँ पर दिया गया है, इसके अंदर हमें मेडिसिन को ऐड करना होगा। और ये है इसकी मेन यूनिट, ये एक पिस्टन कंप्रेसर नेबुलाइजर है, आप देख रहे हो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी बढ़िया है, पूरी तरह से प्लास्टिक से बना हुआ है, प्लास्टिक की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हो एक हैंडल दिया गया है जिससे हम ईजिली इसे उठा सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर की साइड में एक ट्रांसपेरेंट कवर दिया गया है, इस कवर को हम इस तरह से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर जब आप इसे ओपन करोगे, यहाँ पर हमें एक ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, इसके अलावा यहाँ पर एयर फिल्टर दिया गया है जिसे हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है इसकी ट्यूब कनेक्ट करने के लिए, जो ट्यूब इसके साथ आई है उसे हमें यहाँ पर कनेक्ट करना होता है। इसके अलावा इसके बैक साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर एक स्पेस दे रखा है, जब आप इसे यूज नहीं कर रहे हो तो आप इसकी केबल को इसके अंदर रख सकते हो। आप देख सकते हो केबल की लेंथ भी काफ़ी अच्छी खासी दे रखी है और केबल की क्वालिटी भी मुझे ठीक लग रही है। जब हम इसे यूज नहीं कर रहे होते हैं तो आप केबल को यहाँ पर ईजली इस तरह से रख सकते हो, प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। तो ये तो हो गया नेबुलाइजर, अब हम देखेंगे कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी जो कॉर्ड है, इसके प्लग को हम लगा देते हैं अपनी एसी पावर सप्लाई में। एसी पावर सप्लाई से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसकी ट्यूब को ले लेते हैं, आप देख रहे हो ट्यूब के दोनों एंड पर इस तरह का अटैचमेंट यहाँ लगा हुआ है। इसके एक एंड को हमें कनेक्ट करना होगा नेबुलाइजर के इस पोर्ट पर, तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, इस जगह पर हम इस पाइप को कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करना बहुत ही आसान है, इसकी ट्यूब के एक एंड को हमने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर, और दूसरे एंड को हम कनेक्ट करेंगे इस अटैचमेंट के साथ।
यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक अटैचमेंट इसके साथ दिया गया है, यहाँ पर हमें इसे कनेक्ट करना है इसकी ट्यूब को। तो यहाँ मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसकी ट्यूब को, ट्यूब के दूसरे एंड को हमने इस अटैचमेंट के साथ कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ मार्किंग दी गई है, जो मेडिसिन हम यूज़ करने वाले हैं वो मेडिसिन हमें इसके अंदर ऐड करनी होगी, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर इसका मास्क लगाना होगा। इसके साथ हमें दो मास्क दिए गए हैं, एक है ये बच्चों के लिए यूज़ करने के लिए और दूसरा है ये बड़ों के लिए यानी एडल्ट को यूज़ करने के लिए ये वाला मास्क है। तो मैं ये वाला मास्क इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करना बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से हमें इसे कनेक्ट कर देना है। तो अब हमारा नेबुलाइजर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अब हम इसके अंदर मेडिसिन ऐड करेंगे। मेरा ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे चला गया था, तो डॉक्टर ने मुझे ये दो दवाइयाँ लिखी थी, ड्यूलिन और बुडेकोट। इन्हीं दवाइयों को मैं आज नेबुलाइजर में यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। आप कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। नेबुलाइजर में जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरह की होती है, इन दोनों को ही मैं यूज़ करके देखने वाला हूँ। नेबुलाइजर के अंदर मेडिसिन को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको इसे इस तरह से ओपन कर लेना है। इस तरह से आप इसे ओपन कर लीजिए, ये हमारा ओपन हो गया और यहाँ पर हम मेडिसिन ऐड कर देंगे। सबसे पहले इस तरह का ये जो मेडिसिन है मैं ले लेता हूँ, यहाँ से इसको हम अलग कर लेते हैं। इसे ओपन करना बहुत ही आसान है, इस तरह से आप इसे ट्विस्ट करेंगे तो ये अपने आप खुल जाएगा। आप देख सकते हो ये यहाँ पर खुल गया है और इसको हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर। अब मैं दूसरी दवा ले लेता हूँ, ये वाला भी हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। तो आप देख रहे हो मेडिसिन को हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और उसके बाद अब हम इसे फिर से बंद कर देंगे, यहाँ पर हमें इसे बंद कर देना है। अब हमारा नेबुलाइजर पूरी तरह से तैयार है, अब मैं इसे ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। ऑन करने के लिए सिंपल यहाँ पर जो इसका ऑन ऑफ का बटन दिया गया है इसे हमें ऑन करना है। मैं ऑन कर देता हूँ, तो जैसे ही हम यहाँ से नेबुलाइजर को ऑन करते हैं इस ट्यूब के थ्रू प्रेशर यहाँ पर आ रहा है और जो मेडिसिन हमने यहाँ पर ऐड की थी उसकी यहाँ पर बाष्प बन रही है। बाष्प बन के यहाँ से ये बाहर आ रही है और अब आपको इसे अपने मुंह पर लगा लेना है और इस बाष्प को इनहेल करना है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो फिलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसानी से नेबुलाइजर को घर पर यूज कर सकते हो। अगर आप नेबुलाइजर को परचेज करना चाहते हो तो इसका बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।